अरकान ने पार्लियामेंट को हरासा किए जाने के बावजूद मुजाकरात किए, हुकूमती रवैये पर हमेशा दीतहफात हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मौलाना फजल रहमान के साथ कई चीज़ों पर इत्तेफाक हो गया, पहले दिन ही तय किया था मौलाना के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, मुजाकरात के बावजूद हमारे अरकान को हरासा किया जा रहा है, ऐसे में कानून साजी का क्या फ़ायदा, अपनी मर्जी से कानून बना ले, हम उस मामले में शरीक नहीं होंगे, हुकूमती रवैया यही रहा तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हम मौलाना साहब के सामने भी हमने ये पॉइंट उठाया कि जबकि एक तरफ हम मुजाकिरात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कमेटी में बैठे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक शिक को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपना वर्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे जो एमएनएज है और हमारे सेनेटर्स है उनको अगर आप हरास कर रहे हैं तो ऐसे कानून साजी का और आईनी तरामीम का फायदा क्या है, फिर ईवान भी आपका है, जोर जबरदस्ती भी आपका है, ये लोग भी सारे आप हैं, जैसे कानून चाहते हैं आप बना लें, फिर जैसे अगर आप कहते हैं कि यही तरीका है फिर हम उस प्रोसेस में शरीक नहीं होंगे। इसलिए आज मौलाना साहब के साथ हमारा तफसीली प्रोसेस चला है और उसमें हमने कई सारे चीज़ों पे हमने इतफाक़ कर लिया, ऑलमोस्ट इतफाक़ कर लिया कि अगर हुकूमती रवैया रहा यही रहा तो शायद हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे।